हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको जीके में लेसन 26 का कॉपी वर्क करवाएंगे। यहीं से आपका एनुअल पोर्शन स्टार्ट है। चलिए देखते हैं लेसन 26, होम अप्लायंसेस। वैसे तो ये मैंने आपको बुक में भी रीड करवाया था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में इसे रीड करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, राइट 5 होम अप्लायंसेस मशीन। आपको 5 घरेलू उपकरण मशीनों के नाम लिखने हैं। REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। WASHING वॉशिंग, MACHINE मशीन वॉशिंग मशीन। GEYSER गीज़र, MICROWAVE माइक्रोवेव। TOASTER टोस्टर। विच मशीन इज यूज टू मेक प्लेसेज डस्ट फ्री, कौन सी मशीन जगह को साफ सुथरा बनाती है। वैक्यूम क्लीनर, VACWM वैक्यूम, CLEANER क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। विच मशीन इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन, कौन सी मशीन पानी को शुद्ध करने का काम करती है। RO सिस्टम। विच मशीन इज़ यूज टू गेट कूल एयर, कौन सी मशीन ठंडी हवा देती है। एयर कंडीशनर, AIRCONDITIONER एयर कंडीशनर। विच मशीन इज़ यूज टू कीप फूड सेफ एंड फ्रेश, कौन सी मशीन भोजन को साफ और सुरक्षित रखने में के लिए यूज़ की जाती है। वो होती है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। विच मशीन इज़ यूज टू वॉश क्लॉथ्स, कौन सी मशीन कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन। विच मशीन इज़ यूज टू हीट वाटर, कौन सी मशीन पानी को गर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। गीज़र, कौन सी करते हैं, गीज़र, GEYSER गीज़र। आगे देखते हैं, अब आते हैं आपके फिलिप्स। फिलिप्स देखेंगे। डैश इज यूज टू मेक प्लेसेस डस्ट फ्री, कौन सी मशीन जो है डस्ट फ्री जगह को डस्ट फ्री करने के लिए यूज होती है। वैक्यूम क्लीनर। इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन, RO सिस्टम, यानी कि पानी को शुद्ध करने में RO सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इज़ यूज टू गेट कूल एयर, ठंडी हवा देने के लिए एयर कंडीशनर। इज़ यूज टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन। इज़ यूज टू हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए हम गीजर का यूज़ करते हैं। अब आते हैं आपके लेसन 29, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या होते हैं। इंडोर गेम्स होते हैं जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं। राइट 6 इंडोर गेम्स। आपको 6 इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। CARROM कैरम, LUDO लूडो, CHINESE चाइनीज, CHECKERS चेकर्स चाइनीज चेकर्स, SNAKE स्नैक, AND, LADDERS लेडर्स स्नैक एंड लेडर्स, CHESS चेस, TABLE टेबल, TENIS टेनिस टेबल टेनिस। विच गेम इज प्लेड ऑन ए स्टार शेप्ड बोर्ड, कौन सा गेम स्टार शेप बोर्ड के आकार में होता है। वो होता है चाइनीज चेकर्स, CHINESE चाइनीज, CHECKERS चेकर्स। विच बोर्ड गेम हैज़ 4 हाउस, रेड ब्लू ग्रीन एंड येल्लो, कौन से गेम में 4 घर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन और येल्लो। वो होता है लूडो, कौन से होते हैं, लूडो। फिर आते हैं आपके लेसन 30, आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं। राइट 8 आउटडोर गेम्स। आपको 8 आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। FOOT फुट, BALL बॉल फुटबॉल, CRICKET क्रिकेट, HOCKEY हॉकी, TENIS टेनिस, GOLF गोल्फ, VOLLEY वॉली, BALL बॉल वॉलीबॉल, KABADDI कबड्डी, KHOKHO खो खो। विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना गेम कौन सा है, गोल्फ, GOLF गोल्फ। विच स्पोर्ट डज ध्यानचंद प्ले, ध्यानचंद कौन सा गेम खेलते थे, हॉकी, HOCKEY हॉकी। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे फेमस स्पोर्ट कौन सा है, फुटबॉल, FOOT फुट, BALL बॉल फुटबॉल। हु इज द फादर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के फादर कौन है, विलियम गिलबर्ट, WILLIAM विलियम, GILBERT बर्ट विलियम गिलबर्ट, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं WG।
आगे देखते हैं, चूज़ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। आपको इसमें इंडोर और आउटडोर गेम्स चूज़ करने हैं। देखिए, कैरम, चेस, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, लूडो, कबड्डी, क्रिकेट, चाइनीज चेकर्स और टेबल टेनिस। आपको इनमें से इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स अलग अलग लिखने हैं। तो देखिए, कैरम कैसा है, कैरम हमारा इंडोर गेम्स है, चेस भी इंडोर गेम्स है, फुटबॉल आउटडोर गेम्स है, गोल्फ आउटडोर गेम्स है, हॉकी आउटडोर गेम्स है, लूडो इंडोर गेम्स है, कबड्डी आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट आउटडोर गेम्स है, चाइनीज चेकर्स इंडोर गेम्स है और टेबल टेनिस भी हमारा इंडोर गेम्स है। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने रिविज़न करेंगे, लर्न करेंगे और अपना वर्क कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू।